गुड मॉर्निंग डियर दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नीता रूपानी रेसिपीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की टिक्कियों की सब्जी बनाएंगे आज हम। उसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी बेसन। इसकी सब्जी हम बनाएंगे, इसे गट्टे की स्टाइल में आपको मैं आज बताना सिखाऊंगी। बेसन की टिक्कियाँ ही बनाएंगे हम, लेकिन इसे गट्टा स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लिया है हमने बेसन एक कटोरी। इसके अंदर डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी, एक छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और एक छोटी चम्मच डालेंगे मिर्ची पाउडर, एक चम्मच डालेंगे घर का बना हुआ दही। दही डालने से जो टिक्कियाँ होती हैं या गट्टे होते हैं, जो भी आप बना रहे हैं उसमें दही डालेंगे तो सॉफ्ट बनते हैं। तो आज टिक्कियों में एक चम्मच मिलाऊंगी दही। इसके अलावा एक छोटी चम्मच डालूंगी तेल और आधी छोटी चम्मच के करीब डालेंगे जीरा। इसके अलावा इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया और एक हरी मिर्च डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो डालें, लेकिन ये बेसन की टिक्कियों में अच्छे लगते हैं। अब इन्हें हाथों की हेल्प से मिक्स कर लें और इसका डो बना लें। नॉर्मल पानी की हेल्प से इसका डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी नरम हो जाता है, इसलिए ज़्यादा पानी एक साथ बिल्कुल न डालें। तो डो हमारा रेडी है, अब इसमें से बना लेंगे टिक्कियाँ। तो थोड़ा सा तेल लगाएंगे हाथों पर, इसमें से छोटा छोटा सा पोर्शन लेंगे और जैसी टिक्कियाँ आपको चाहिए वैसे बना लीजिए। ये देखिए, अगर गट्टे बनाने जा रहे हैं तो गट्टे बना लीजिए, मैं टिक्कियां बना रही हूँ छोटी छोटी सी गोल। तो इसी तरह से सारी टिक्कियां बना लें। तो बेसन की टिक्कियां बनकर हमारी रेडी हैं। अब इन टिक्कियों को क्या करना है, पानी में हम इन्हें बॉयल करेंगे। वैसे हम इसकी सब्जी ऐसे ही बनाते हैं, आज मैंने आपको अलग तरह से बता रही हूँ। तो ये पानी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया था, अब क्या करेंगे हम इस टिक्कियों को इनमें डाल देंगे। और इन्हें कब तक बॉयल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इन्हें आप हाई फ्लेम पर इस तरह से बॉयल होने दें। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी टिक्कियां बॉयल हो रही हैं, तब तक हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इन्हें हम दूसरी गैस पर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो एक दूसरा पैन ले लिया है मैंने, इसमें डालेंगे हम दो चम्मच तेल डालेंगे, दो छोटे चम्मच। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, एक टुकड़ा दालचीनी का और डालेंगे तेज पत्ता। जब जीरा हमारा भुन जाए तो इसमें हम डालेंगे एक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें लाइट गोल्डन होने तक भूनना है। अब ये खड़े मसाले आप चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर हमारे घी में आ चुका है। एक छोटी चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी भून लेते हैं प्याज के साथ। इधर हमारी टिक्कियां भी बॉयल हो चुकी हैं, इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए ये कितनी डबल हो चुकी हैं और इस तरह के स्पॉट आ चुके हैं इनके ऊपर, तो ये बॉयल हो चुकी। इन्हें 10-15 मिनट बॉयल करने में लगते हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें से टिक्कियों को निकाल कर फ्राई करेंगे। तो टिक्कियों को मैंने निकाल लिया है, देख सकते हैं इस तरह के स्पॉट इसके ऊपर आ जाएं तो आप इन्हें निकाल लीजिए और अब इनको फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ये कच्ची भी डाल सकते हैं, अगर आपको फ्राई नहीं करने का मन करे तो ये सब्जी में ऐसे भी डाली जा सकती है, लेकिन हम इन्हें फ्राई करते हैं। और ये जो पानी है इसे आप ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हो। तो कढ़ाई में तेल ले लिया है मैंने, प्याज का गैस मैंने बंद कर दिया है। पहले मैं आपको टिक्कियाँ दिखा दूँ, अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, ये देखिए इन्हें इस तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए इसी तरह से आप सारी टिक्कियों को फ्राई कर लीजिए। तो टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, ये देखिए इन्हें मैंने फ्राई कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं ग्रेवी। तो वापस से मैंने ये प्याज गैस पर रख दिया है। तो प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम मसाले। नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर,
थोड़ा सा जीरा पाउडर, फिर मसाला को भून लेते हैं। प्याज मैंने एक छोटी सी ली है क्योंकि इसमें और भी टमाटर वगैरह पड़ता है तो ग्रेवी काफी गाढ़ी हो जाती है, तो बस अब इसमें हम टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो पानी यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ गट्टों वाला, तो ये गट्टों वाला पानी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, प्याज भी अच्छे से गल जाए। अब इनको कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है, देखिए ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसमें मिलाएंगे एक चम्मच दही, गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, दही मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए दही को ताकि दही हमारा जो है वो फटे नहीं। तो दही भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें डाल रही हूँ एक आलू, ये ऑप्शनल है, अगर आपको टिक्की सब्जी में आलू पसंद नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन मुझे पसंद है मैं डालती हूँ, तो मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। तो अब आलू डालकर इसे हम लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि आलू हमारा थोड़ा सा पक जाए, बीच बीच में से चलाते रहें। तो ग्रेवी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, मसाले सभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, आलू भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम टिक्कियों को ऐड करेंगे। अब इनको भी इसके साथ भून लेंगे आलू को। तो टिक्कियाँ और आलू हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब इनमें पानी मिलाएंगे। तो इसमें ऐड कर रही हूँ ये गट्टों वाला पानी, ये पूरा पानी इसमें ऐड कर देना क्योंकि ये सब्जी हम थोड़ी ग्रेवी में बनाएंगे। अब इसमें आप थोड़ा सा नमक मिर्च जो भी है वो चेक कर लीजिए, और इसे अब लो फ्लेम पर हमको पकाना है जब तक आलू अच्छे से पक जाएं और हमारी जो टिक्कियां हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। तो आइए चेक करते हैं फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, तो सब्जी हमारी अच्छे से आप देख सकते हैं कुक हो चुकी है। इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके, कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट करके इसमें मिलाइए, और थोड़ा सा हरा धनिया मिलाएंगे कटा हुआ। सब्जी को मैंने 10 मिनट रख दिया था, सब्जी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रहती है क्योंकि ये ग्रेवी में ही अच्छी लगती है, आप चाहें तो ड्राई करके भी खा सकते हो और चाहो तो ग्रेवी में भी खा सकते हो। तो बस सब्जी को हम सर्व करते हैं, तो गैस को बंद कर दिया मैंने, आइए सब्जी को सर्व करते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये। तो फ्रेंड्स आलू टिक्की की सब्जी हमारी सर्व हो चुकी है गर्मा गर्म, इसे सर्व करिए चपाती के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कभी तरह इसी तरह से बना के देखिए टिक्की और आलू की सब्जी, बहुत ही पसंद आएगी आपको। तो बनाइए और बताइए रेसिपी कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।